नमस्कार, इस समय हम मौजूद है जनपद मैनपुरी की चपट्टी मोहल्ला में। ये टंकी के नीचे मैं इस समय मौजूद हूँ। क्या चल रहा है आज 2024 को लेकर? क्या है जनता का मूड? आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब की बात मोदी जी फिर काबिज होंगे, या विपक्ष उन पर हावी रहेगा, या राहुल गांधी अपना जो है ना देश में सत्ता कायम करेंगे? इसके लिए जानने के लिए हम मौजूद हैं। तमाम जनता जो है ना इनसे बात करेंगे, सभी बुद्धिजीवी है और ये शायद कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना एक वर्चस्व बनाए रखते हैं, और आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। सबकी राय जानेंगे कि आखिर अब की बार 2024 में क्या विपक्ष पर रहेगा भारी, या राहुल गांधी बनाएंगे सरकार, या आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? गोपाल कुलश्रेष्ठ जी। जिस तरह से आज 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद मतलब दोबारा प्रधानमंत्री के लिए जो ना कवायद उन्होंने शुरू कर दी है, वही विपक्ष भी एक जो होकर हलकने शुरू कर दी है उन्होंने, हालांकि सरकार बनाने के लिए ये आखिर कौन बनेगा, अब क्या रहेगा जनता का? देखिए, जनता ने बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके जो वादे थे, जिस वादों पर वो सरकार आई थी कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो आप महंगाई देखे, आज टमाटर 160 रुपए किलो हो गया, अदरक 60 रुपए 250 ग्राम मिल रहा है, दालें 200 के रुपए हो गई, तेल महंगा हो गया, रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है, जनता त्राई त्राई कर रही है। सर रसोई की लेकर आप बात कर रहे हैं, हम देश हित की बात, मैं और भी कर रहा हूँ, देश हित में जहाँ का उस देश का अच्छा होता है, जहाँ का नागरिक रोजगार से हो, जहाँ के सब अपने धंधे से लगे हो। आप देखें बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई है, रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ लिख कर बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रही है, और इन मोदी सरकार ने जो भी वादे किए, चाहे भ्रष्टाचार का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, चाहे देश हित का हो, कोई वादा पूरा नहीं किया, केवल देश को बेचने का काम किया है और कोई नए कार्य नहीं किए। अब इनसे त्रस्त हो चुकी है, मैं समझता हूँ आने और शुरुआत हो चुकी है। आप देखें हिमाचल देखें, कर्नाटक देखें, और कई जगह भाजपा की सरकारें जा रही हैं। ये केवल महाराष्ट्र का आप उदाहरण देखें, सरकार दूसरे आप तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, दूसरों तो अब इनके पास मुद्दे नहीं रह गए, केवल तोड़फोड़ डरा कर अपने पास सत्ता रखना चाहते हैं, और देश इसमें कोई कार्य नहीं। मैं समझता हूँ विपक्ष मौजूद होगा। तो क्या लगता है कि सर जो है जिस तरह से आप धमकाने की बात कर रहे हैं, क्या बाकी में देश में हिटलर सही राज है क्या? हिटलर से भी ज्यादा, हिटलर के टाइम में तो भी है। आज तो मीडिया बुरा नहीं मानना, लेकिन मीडिया का भी रोल सरकार के पक्ष में ही रहता है, और जो वो चाहते हैं वैसे ही दिखाते हैं। इसीलिए आज का सोशल मीडिया ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उस पर विश्वास ज्यादा, मीडिया से भी विश्वास हो चुका है, जो चौथा स्तंभ हुआ करता है, और जो आवाज उठाता उसके अगर में ईडी सीबीआई या अन्य मुकदमे लग जाते, अगर उनकी पार्टी में आ जाता तो वो पवित्र हो जाता, वॉशिंग मशीन उसमें लगी हुई है। क्या बात है कि जब भी कोई आवाज उठाता है तो वो जो है ना उनपे जो है ना कहीं ना कोई कोई ना कोई मुकदमा फांसने का काम करते हैं। सर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आप भाई ने बताया कि महंगाई महंगाई तो एक आम समस्या है, साथ ही साथ उद्योग धंधे और जो व्यापार है, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं आज बंद होने के कगार पर हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी उद्योग धंधे चलाने वाले हैं, जो करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर करते हैं, करोड़ों रुपए का जीएसटी कलेक्शन करते हैं, हमारे उसी में व्यापारी बंधु भी आते हैं, आखिर इनके भविष्य के लिए सरकार क्या कर रही है? इनको भी 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। और मेरी अपनी मांग है कि आगे आने वाले 2024 में हमारा जितना भी उद्यमी साथी है या जो व्यापारी साथी है, वो ऐसी ही सरकार को लाएगा जो व्यापारी हित की बात करेगा, उद्योग हित की बात करेगा। सर अगर जो उद्योग हित की आप बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, विजय माल्या जो है तमाम व्यापार के नाम पर दुनिया का पैसा ले लिया और उनका पता आता नहीं है, सर क्या कहेंगे इसमें? भाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरे देश को गुलाम बना के चली गई, आज इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके चंगुल में जो हमारा छोटा उद्यमी है बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। आपने देखा होगा पहले छोटे छोटे से कारोबार हर गली कूचे में चलते हुए आपको दिख जाया करते थे, आज एक भी सिंगल, पूरे जनपद मैनपुरी की बात करता हूँ, सिंगल भी एक छोटा सा उद्यमी आप दिखा दीजिए जो अपनी गली कूचे में काम करता हो, वो बेरोजगार हुआ है नहीं हुआ? वो इनके सबके उसमें चंगुल में फंसा है नहीं फंसा? जेल लाखों का, करोड़ों का, अरबों का लेकर के भाग जाते हैं,
और यहाँ छोटा सा भी कर्ज लेता है अगर 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का भी लेता है तो बैंक बिना गिरवी रखे देती नहीं है, और देती भी है तो अगर एक भी एनपीए हो गया ना, एक भी किस्त उनकी टूट गई तो वो आरसी कट जाती है, वो जेल चला जाता है, और आज तक इनसे वसूली हो नहीं पाई है। तो छोटे उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और उनके लिए कुछ उपाय करें जो वो धंधे बढ़े। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे व्यापारी ही देश चला रहे? आज मुझे आप ये बताओ, ये जो आम जनता है जितनी भी आपको शहर में मिल रही होगी, क्या ये सारी की सारी जनता किसी बड़े उद्योग में जाके काम कर सकती है? हर जगह की अलग अलग चीजें होती हैं, हर जगह की अलग अलग वस्तुएं होती हैं, वो वहां निर्मित होकर के और वो मार्केट में जाएंगे तो वहां का उद्योग धंधा चलेगा, वहां का व्यापार चलेगा। तो देखा किस तरह से जो है यहाँ जवाब तर्क वितर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में एक और मौजूद है सर, शायद आगरा से बिलोंग करते हैं और आज मैनपुरी में किसी कारण आ चुके हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि आगरा की आगरा में क्या चल रहा है और किस तरह से जो है ना सर क्या करते हैं, और आप सर क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैनों को तो जरा प्रदेश देश की सरकार बड़ा बढ़ावा दे रही है सर, क्या वाकई में इस अकाउंटेबिलिटी नहीं है? कोई भी गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके पास बहुत प्यारे प्यारे मुद्दे हैं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड घुमा दिया, खेलिया 2024 में जी, अगर सही है तो करिए फिर, यशोदा बहन को दिलवाएंगे आप, तलाक दिलवाएंगे या भत्ता दिलवाएंगे। 2024 घुमाने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, वो जनता लेकिन अब समझ चुकी है, बेवकूफ़ नहीं बनेगी। तो क्या अगली बार 2024 में कोई खेला करेंगे क्या? करेंगे तो लेकिन कामयाब नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो दिखाई दे रहा था कि जो है ना एक संपत्ति आई थी क्योंकि 40 सैनिक मारे गए थे, तो उसमें जो ना प्रधानमंत्री ने अच्छे से बयान दिए थे, उन पे काबू करने का काम किया था, स्ट्राइक भी किया जाके अंदर घुस के स्ट्राइक किया था, देश की सुरक्षा की बात की तो थी। ओपन करें ना सर जी, लाए तो मार्केट में, छुपाए हुए हर चीज अंडर वो चल रहा है, कोई भी कोई ऐसा वो नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। जिस दिन जनता जवाब मांगने जनता को जवाब देने लगे, सब लाइन पे है, कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी, कोई भी हो, आप ये बना दिया आपने, ठीक है, इसका कोई है अकाउंटेबिलिटी है कि क्या है? कल को गिर गया, कोई कुछ नहीं सर, जिसके पास जिस तरह से मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये कहती है कि जो है कि व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, सर अगर आप व्यापारी है तो सुरक्षा मतलब GST भी देते हैं, तो सुरक्षा कितनी है सर? कोई सुरक्षा नहीं है, पूरा GST किस किस चीज में नहीं है आटे तक में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं लगाया आज तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आटे पर टैक्स लगाया कभी, बताइए आप? लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश देश की सरकार लगा रही है, यानी बीजेपी सरकार। आज कोई चीज ऐसा बता दीजिए दूध जिसमें GST ना हो, तो क्या तो कुछ ले रही है तो दे भी तो पब्लिक को, सिवाय इधर से उधर घुमाने के और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं समझ नहीं आ रहा। तो आपकी बार पब्लिक जागृत रहेगी? डेफिनेटली। तो क्या आपकी बार मोदी का जो है ना सिक्का नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि त्रस्त हो चुकी है जनता, जनता त्रस्त हो चुकी है बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं, और भी हमारे साथ में मौजूद है सर, क्या नाम है आपका? नाम है। किस जगह से बिलोंग करते हैं सर? हम तो यहीं के हैं। अच्छा, मैनपुरी के रहे सर। क्या आपकी बार जो है ना जिस तरह से 2024 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष भी जो है ना अभी है, अब क्या बना पाएंगे आपकी बार सरकार? अब देखो क्या जनता क्या करती। आप भी जनता में ही है, आप भी नेता नहीं है, आपका क्या कहना है? समस्या तो बेरोजगारी वगैरह ज्यादा है। बेरोजगारी है, यानी बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगा सर? बेरोजगारी मुद्दा बनेगा जी। क्या कहेंगे सर, आगे जो सरकार चल रही है केंद्र में भी चल रही है और प्रदेश में भी चल रही है, यानी कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, क्या वाकई में विकास हो पा रहा है? विकास की क्या पोजीशन है ये आप ये जरूर जानना। नहीं आ पा रहा विकास, हो रहा है कि नहीं? कागजों पर तो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, कागजों पर ही दिखाई देता है, धरातल पे नहीं है। तो धरातल पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप बात करेंगे सर यहाँ पर, सर क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 66 साल। पेंशन वगैरह मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है, ना फुल लाइफ सर्विस मिली है, 83 में बीए किया था जी, ना फुल लाइफ सर्विस मिली है, मजदूरी करते रहे, आज भी मजदूरी करते हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद। हाँ मजदूरी आज भी करते हैं और पहले भी करते थे, तो आज पेंशन में ही मुहैया हो रही है? नहीं मुहैया हो रही है। तो अब की बार जैसे कि राहुल गांधी जो है ना यात्रा कर रहे हैं, वही जो है ना एकजुट होकर विपक्षी जो है ना बिहार में मीटिंग कर रहे हैं,
कि अब की बार किसी भी तरह से बीजेपी को उठाओ, अखिलेश ने नारा भी दिया है। सर अब इसमें राहुल टिक पाएंगे या बाकी में मोदी जी फिर दोबारा बनाएंगे? मोदी का सिक्का बड़ा सिक्का है और गहरा सिक्का है, जिस सिक्के को हिलाने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाए नहीं हिला सकता है यार। तो मोदी के कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम बुरे भी हैं। हर व्यक्ति में कोई काम अच्छे होते कोई काम बुरे। और महंगाई किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, महंगाई होती है व्यापारी वर्ग के हाथ में। अब ये क्या हो रहा है कि इस समय गेहूँ 25 रुपए किलो बिक रहा और तेल आपके जाके 130 रुपए किलो, गैस का सिलेंडर है वो भी मतलब 1100 से 2100 रुपए का, और कांग्रेस के समय भी केवल 450 का था। तो मतलब मोदी को सोचना चाहिए। अब मोदी नहीं सोचेंगे तो जनता सोचेगी कि हमें क्या करना है, लेकिन कोई आदमी खुल के नहीं बताता। महंगाई भी जो है ना एक मुद्दा बनेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा। आज रोजमर्रा की चीज में आप देखो टमाटर 140 रुपए 30 रुपए किलो, अदरक है 300 रुपए किलो, धनिया 200 रुपए किलो, हरी मिर्चा 100 रुपए किलो। आदमी क्या करे, क्या हरी सब्जियां तो बिल्कुल टोटल गायब है, लौकी 40 रुपए किलो, तोरी 80 रुपए किलो, आदमी क्या खाएगा और क्या करेगा? अच्छा सर ये महंगाई आ गई, लेकिन बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मोदी जी आए थे कह के साहब के विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलते ही वो धन की बात चली गई, वो मन की बात करने लगे। आज तक मोदी ने किसी की मन की सुनी हो तुम तो हमें बता दे केवल। क्या बात कही है कि धन की बात छोड़कर मोदी जी मन की बात करने हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि टीवी पर भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे दादा, क्या नाम है सर आपका? सर तिवारी जी। तिवारी जी मोबाइल ऑफ कर दीजिए और जरा मुझसे बात कर लीजिए। सर अभी दादा ने बताया कि मोदी जी कभी काला धन की बात करते थे जिससे ये सरकार जो है ना केंद्र में और प्रदेश में बनी, लेकिन अब जो है वो मन की बात करने लगे, तो क्या वाकई में मन की बात भी एक मुद्दा बनेगा? नहीं, मन की बात मुद्दा अब ये तो आप लोगों की समझ में भी आएगी कि 100 से ऊपर बार बात की है उन्होंने पिछले 9 वर्षों में, और सिर्फ मन की है, अपने पब्लिक के मन की नहीं की है उन्होंने, अपने मन की बात की है। जिस तरह अब पब्लिक अपने मन की करेगी, 9 साल 10 साल बाद पब्लिक अब अपने मन का जवाब देगी। लेकिन सर ये तो आप की बात तो नहीं पसंद आई कि वो कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश और देश में जो है ना बहुत हुआ है विकास, तो ये किस हद तक दिखते हैं? अब ये उत्तर प्रदेश और देश दोनों का विकास आप लोग भी देख सकते हैं, हमसे ज्यादा और पब्लिक से ज्यादा आप पत्रकार बंधु ही सबको जानते हैं कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर भारत की वास्तविक स्थिति क्या है, दिखाना क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी सही पता है मुझसे ज्यादा, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ये सबको। मोदी जी और योगी जी क्यों की बात कर रहे हैं सर, क्या ये ग्रुप में कुछ दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ भी है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। अभी आप देखिए पिछले एक हफ्ते पहले मोदी जी ने भारत में आके एक भाषण दिया कि साहब मैं गारंटी हूँ किस बात की, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मुक्त करने की। क्या हुआ उसके 3 दिन बाद महाराष्ट्र का आपको दिखाई दे गया, जिन पर वो सीधे सीधे जिनको आरोपित कर रहे थे लिस्ट में सूचीबद्ध करके, और उन सबको अपने ही मंत्रिमंडल में शपथ दिला रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं या भ्रष्टाचार युक्त कर रहे हैं। अच्छा जिस तरह से ईडी सारी सरकारी मशीनरियों का उपयोग, या उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग तो वो होता है जो सकारात्मक होता है, दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ अपने हित में कर रहे हैं। और सर जिस तरह से बात आती है कानून व्यवस्था की, तो बाकी में देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का फिर वही बात आती है, हम पब्लिक से ज्यादा पत्रकार बंधु जानते हैं कि कानून की व्यवस्था प्रदेश में क्या है। सर आप बताइए कानून व्यवस्था कैसी? कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, जिस तरह से क्राइम कंट्रोल है, जो क्राइम में जो होते थे जिस तरीके की, मतलब मर्डर्स वगैरह जो होते थे वो मर्डर्स अभी भी कंट्रोल से। अच्छा, और क्राइम तो खैर कंट्रोल है ही, आम आदमी डरा हुआ है कानून व्यवस्था से, कानून व्यवस्था डरा हुआ है। लेकिन यही पर तो जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है ना न्यायपालिका को तार तार करते हुए बीजेपी लोगों का मर्डर करा देती है, आप मर्डर रोकने की बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मतलब एक माफिया को दफनाने के लिए, एक माफिया को खत्म करने के लिए 3 माफिया तैयार कर रही है सरकार जी। 3 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आईसी वाली जी जो है ना क्या नाम अभी उसको आतिक अहमद को मारा था, तो एक मरा था या 2 मरे थे, लेकिन 3 तैयार हुए कानून व्यवस्था कर रहे हैं। कानून व्यवस्था देखिए जी, कानून तो है, मतलब आम आदमी सुरक्षित है क्या जेल के भीतर है, वो जेल के भीतर, यानी कानून व्यवस्था अच्छी है, कुल मिला के कानून व्यवस्था अच्छी है।
अगर हम बात करें मंत्रियों की, आदमी तो सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित। सर मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगा, जैसे कि दादा ने बताया कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है देश में और प्रदेश में, सर क्या बाकी में कानून व्यवस्था अच्छी है? नहीं, एक ये पिक्चर दिखा रहे हैं, कुछ विशेष जात के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आप देखें, आज कल ही का एक वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश में कोई शुक्ला जी है, वो अनुसूचित जात के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। हालांकि बुलडोजर उनके घर पर भी चला है, लेकिन इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं छोटी जातियों से हटके है। और जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला है या कानून व्यवस्था लागू करते हैं, वो विशेष जात के लोगों कर रहे हैं। तो सभी जातियों पे एक सा व्यवहार नहीं चल रहा है, सभी जातियों पर। हाँ, कहीं ना कहीं देख के चल रहा है कि ये फलाना आदमी तो इस पर बुलडोजर है, मुझे इस जात से है तो केवल नोटिस। क्या ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक पार्टियों में शामिल है उनपे चल रहा है, या जो उनकी पार्टी में तो उनपे नहीं चल रहा है? ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह करती है। जब पार्टी से अलग होते हैं लोग तो वो क्रिमिनल होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, जब वही उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डराने का है कि अगर हमसे अलग हो गए तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारे में आओगे तो हम बचा के। चलिए हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, कि यहाँ ये बढ़ती हुई महंगाई में शिक्षा किस तरह से है, और बिजनेसमैन है आप, आगरा से बिलोंग करते हैं, आइए इनसे ज्यादा कौन जानेगा, क्योंकि वहाँ आगरा जो है एक मंडल है। और सर शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है बीजेपी शासन? वही हर चीज़ गरीबों के पास तक कुछ नहीं है, हर चीज़ में कॉपी पेंसिल कहीं ले लीजिए सब माफिया है, कोई नहीं उन पे कोई डंडा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी बोला था पहले की सरकार अगर जो किताबें, पहले तो बहुत कुछ हुआ उसी और उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप, ईडी किसी के घर पे भेज दे रहे हैं। अभी पंडित जी ने हमारे कुछ बोला, कल को ईडी का छापा है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ईडी पहुंचा कैसे, क्या है, क्या निकला, 3 साल जेल में डालने के बाद फिर आएंगे, क्या बचेगा उनके पास? सर शिक्षा जी बात करें तो जो किताबें ले रहे हैं हम लोग प्राइवेट, उन पर जीएसटी लग रहा है, क्या छात्रों पे जीएसटी लगना सही है? ये तो बिल्कुल ही, मतलब इससे ज्यादा और निकृष्ट कार्यवाही क्या हो सकती है सरकार की, कि शिक्षा पर भी जीएसटी लगा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ अभी अगर देखें हम तो जो आटा आ रहा है, यानी जो आदमी की रोटी है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा रहे हैं, इससे ज्यादा निकृष्ट निर्णय सरकार का क्या हो सकता है? शिक्षा को लेकर जो बात करें तो जीएसटी हर छात्र में दो चीजें हैं, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है, दो चीजें हैं शिक्षा और चिकित्सा। जिस देश में जहाँ भी ये चीजें बेहतर हैं तो वहाँ का देश जो है सबसे बड़ा समृद्धशाली हुआ। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप बताइए अफसर अपने बच्चों के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा और लोगों से कहेगा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, जबकि मारामारी हायर एजुकेशन में अगर देखी जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते हैं, और लोअर पोजीशन में चला जाए जैसे कि छोटे स्कूल जो गांव में या शहर में प्राइमरी पाठशाला है, वहां बच्चों को क्यों नहीं लोग पढ़ाते? क्योंकि अगर वहां का शिक्षा का स्तर इतना ही अच्छा होता तो लोग कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम में या दूसरे स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो सरकारी में पढ़ाते, जबकि सबसे ज्यादा तनख्वाह किनको मिलती है? सरकारी विद्यालय को मिलती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, और तमाम परीक्षा पास करके बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर दिए जाते हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर दिए जाते हैं, और उसके बावजूद रिजल्ट क्या आता है? जीरो आ रहा है। तो इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, ऐसे ही चिकित्सालय में बहुत स्वास्थ्य की जरूरत है। 2024 में सर चुनाव है, क्या बराबर क्या बीजेपी सरकार इसमें अमल कर पाएगी, क्या इतनी जल्दी? ये ना 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल आपको धीरे धीरे हुए जा रहे हैं, तो वो अभी तक क्या करते रहे भाई? शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों चीजें तो बेहतर होनी चाहिए, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो ना भगवान पूजे जाते हैं, यानी पत्थर को भी पूज लिया जाता है और उनको भगवान की दिशा में देते हैं, आज राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये क्या ये देखिए हमारा देश जो है आस्थाओं का देश है, यहाँ विभिन्न तमाम आस्थाओं के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल करके रहते हैं, और सभी जितनी आस्था और जितना विश्वास मुझे अपने धर्म में है उतना ही सम्मान हमें दूसरे के धर्म का करना सीख लेना चाहिए। अगर ये चीजें हम में आ गई तो फिर कहाँ ये सब चीजें बेकार की हैं।
और ये मुद्दे नहीं आने चाहिए, इन मुद्दों से कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जातवाद को बढ़ावा देते हुए, अच्छा ये बताओ क्या सर, सर आप बताइए, जातवाद पर बढ़ावा देते हुए जो है ना बीजेपी आगे बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। अरे भाई जब कोई चीज संगठित रहेगी तो हमको दबा देगी, जब हम उसको विखंडित कर देंगे धीरे धीरे करके सबको खत्म कर देंगे और अपने अधिकार में ले लेंगे। तो जाति बढ़ावा इसलिए है ना, सांप्रदायिक देश है अपना, इसमें सभी जाति एक है, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम है कि कौन किस जाति का है, लेकिन इन्होंने हर चीज को आगाह कर दिया कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। और रह गई विद्यालय की हालत, आप विद्यालय पर ही कर खड़े होके मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, जरा थोड़ा सा कैमरा घुमा के देख लीजिए कि सरकारी विद्यालयों की हालत क्या है। टीचर को छोड़िए आप, किस तरह की हालत है, आप कैमरा घुमा के स्वयं देख सकते हैं। गर्जर स्थिति है, नहीं हम कैसे कहते भाई, हमें तो रहना है इंडिया में, आप पत्रकार आदमी जरा आप घुमा के देख लीजिए, हम तो कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अगर जो बात करें लोकतंत्र की, तो क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र अभी सुरक्षित है या खत्म हो गया है? अरे साहब बहुत सुरक्षित है, जैसे मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बाजार का लगता है ना, तो हम बीजेपी के तो हम तो दुकान खोले हुए हैं, और ये क्या कहते किसी और पार्टी के या किसी से नहीं है, उन्हें 500 रुपए का चालान काटो इससे। अच्छा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब ये मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? अब ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या है, तो हम क्या इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या मैनपुरी में ये भी मुद्दा उखड़ के आएगा क्या? अरे हमें क्या मालूम, हम जो देखते हैं तो हमको बता रहे हैं आपको। तो सर आपने कि किस तरह से जो ना यहाँ पर लोगों के बीच जो चर्चा हुई है 2024 को लेकर, तो किस तरह के मुद्दे निकल कर आए हैं? हालांकि अगर वो देश की सरकार ने इस पर अमल नहीं किया तो वाकई में वो इस बार 2024 को बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ वो अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे। कैमरामैन के साथ अनिल शक, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।